और इसके लिए तो लाइक बनता है ना। हाँ लाइक तो बनता है इसके लिए, लेकिन लाइक बहुत गला करो प्लीज। अरे मेरी वाणी जाके लाइक कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देना, कहानी आपको से पहुँचाए, खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। चस्का किचन विद हिबा में आपको वेलकम करते हैं जी। चस्का में आज बड़े मज़े के चस्के तैयार कर रहे हैं और झटपट फ़ौरन आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे विदाउट आटा गूंदे, बगैर आटा गूंदे और बगैर फिलिंग डाले, फटाफट से ये बन जाते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। हमने एक बाउल ले लिया, उसमें हमने एक कप के करीब मैदा डाल दिया। मैदा ले लें, वाइट आटा ले लें, मैंने वाइट आटा का इस्तेमाल किया है। अच्छा यहाँ पे मैं शामिल करूँगी, ये मैंने कद्दूकश करके रखी हुई है दो मूलियाँ, ठीक हो गया। और ये एक छोटा सा टमाटर ले लिया, थोड़ा सा हरा धनिया वो जो कटिंग करके रखा हुआ है ये शामिल कर दिया। तब झटपट से सब कुछ मिक्स करेंगे और जल्दी जल्दी से ये फटाफट बन जाता है। ये 5 मिनट से भी पहले ये पराठे बन के रेडी हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे जो स्पाइसेस जाएंगे, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा हमने साबुत ले लिया है, ये चाट का मसाला है, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है क्योंकि मौसम ऐसा है, इस वजह से हल्दी डाल लेंगे तो फ़ायदेमंद चीज़ है। हल्दी का इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर देती हूँ सर्दियों में। मिक्स कर लेंगे पहले मसाला। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसकी गाढ़ी सी पेस्ट बना लेंगे। पहले बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा रनिंग भी नहीं रखना, ये बिल्कुल सही इसकी थिकनेस है, इतना ही हमें चाहिए था। बस हम इसको जस्ट मिक्स करेंगे। यहाँ में मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। पहले नीचे बेस पे हम हल्का सा गीला ये देखें, अब जब आपको रोटी के साथ ये इस तरह का कलर नज़र आना शुरू हो जाए, वो वाइट वाइट जो कलर वो गायब होना शुरू हो गया है, तो उस इसके बाद आप इसको आराम से पलट सकते हैं। ये देखें, वो कलर भी अच्छे से आ गया है और हमने पलट भी लिया है और कोई रोटी टूटी नहीं है, बहुत आसानी के साथ ये रोटी बन जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है। कोई कह नहीं सकता कि ये लिक्विड डो से बना है। मैंने स्लो आंच पे बनाया ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, और आप भी इसको फ़ौरन अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये जल जाएगा, तो ये बनाते हुए थोड़ा सा पेशेंट रखें, आराम से बनाएं, सुकून से बनाएं। और ये देखिए दोनों साइडों से इतना अच्छे से ये क्रिस्प हो गया है, ये देखेंगे हमारा पराठा बन के रेडी हो गया।
अब हम इसी तरह दूसरे पराठे बनाते हैं। अब मैं आपको दूसरा जो बेसिक तरीका है जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है मूली के पराठे का। अच्छा, फिलिंग में हमने वही चीजें डाली हैं, मूली कद्दूकस कर ली थी हमने, नमक मिर्च और हल्दी थोड़ी सी शामिल की थी, धनिया और सूखा धनिया और जीरा, यही चीजें हमने लिक्विड डो में शामिल की थी। यही वाली जो मसाला है यही चीजें हमने इसके अंदर शामिल की थी। अब हम हल्का सा दबा लेंगे ताकि ज्यादा एक्सेस पानी निकल जाए। ये हमारी रोटी दोनों साइडों से सिक चुकी है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी सी जबरदस्त सी हमारी दूसरे स्टाइल की रोटी बनकर रेडी हो गई है। रही मूलियों के पराठे की फाइनल लुक, बहुत ही यम्मी बहुत ही जबरदस्त बनी है और देखिए क्रिस्पी बने हुए साइडों से, क्रिस्पी बने हुए और बीच से जो है वो नरम है। और इसके लिए तो लाइक बनता है ना, लाइक तो बनता है इसके लिए, लेकिन लाइक बहुत गला करो अपनी, अरे मेहरबानी जाके लाइक कर लो, चलते हैं दुआ में, याद रखिएगा हम फिर लौट के आएंगे बहुत ही जबरदस्त प्यारी सी रेसिपी के साथ, चटपटी सी मजे की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।